पूछताछ हो या सोनिया गांधी से, बिना सत्ता के शीर्ष पे बैठे नेता की हरी झंडी के सब नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तैयारी हो राहुल गांधी या सोनिया गांधी को आगे परेशान करने। ये तो 100% ऐसा ही है, इसलिए कि अब नेशनल हेरल्ड उस नेशनल हेरल्ड के दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं जिसके पास पिछले दसियों साल से ना कोई पैसा है, ना कोई उनकी हैसियत है, ना वो किसी को लेने देने की पोजीशन में है, ना वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। अब वहाँ छापा मारने क्या मतलब है? और बिल्कुल ये ईडी के अधिकारियों का काम नहीं हो सकता। मुझे तो किसी ने बताया, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने, दिल्ली से नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, उनका ईडी में एक अधिकारी को जानता हूँ, वो कह रहा था उनसे कि हमारा जो डायरेक्टर है आजकल वो अपने आकाओं से आगे सोचता है, उसके आगे जब आका जब उसको कहते हैं कि कल फला काम करना तो कहता सर हमने तो इसका बना के रखा है कल के लिए। ये हाल हो गया है ईडी का। अब रही बात राहुल गांधी को अरेस्ट करें या ना करें, मुझे पूरा यकीन है 2024 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी को अरेस्ट करेंगे, इसलिए कि ये इनको ये भ्रम हो गया है या इनको ये घमंड हो गया है गवर्नमेंट ऑफ द डे और गवर्नमेंट में बैठे लोगों को कि देश उनके साथ है, जुडिशरी उनके साथ है। अब आप देखिए जाते जाते खानविलकर साहब रिटायर होने से दो दिन पहले क्या फैसला दे गए ईडी के लिए, मतलब ईडी जो है वो दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी बन गई है। अब ईडी वाले जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर लेंगे, और जिसको अरेस्ट करेंगे वो मुजरिम नहीं है या गिल्टी नहीं है ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी का होगा, ईडी का नहीं होगा कि हमने क्यों गिरफ्तार किया है, कि कौन सा कानून है, कौन से जज साहब थे भाई, लेकिन कर गए। तो इनको ये घमंड है इस बात का कि हमारे साथ जुडिशरी है, हमारे साथ पब्लिक है। ज़ाहिर है पब्लिक तो है, 40-42% वोट उनका पक्का है, तो 40-42% जीतने के लिए बहुत होता है। अब रही बात इसकी प्रॉपर्टी की, जैसा अभी हजिंदर जी ने कहा है कि एजेएल की प्रॉपर्टी, ये शायद अनिल अजय जी ने कहा, एजेएल की प्रॉपर्टी भी जो है वो क्या है? एजेएल की प्रॉपर्टी कई शहरों में उनके पास प्लाट जमीन है, ऑफिस है, तो उसको कोई बेच तो रहा नहीं है। पूरा एजेएल का ट्रांसफर भोंडे तरीके से किया गया, इसमें कोई दोरा नहीं। उसका जो ट्रांसफर किया गया यंग इंडिया लिमिटेड में, वो बहुत सलीके से नहीं किया गया, लेकिन उसमें ट्रांसफर करके उसका बेनिफिट क्या उठा रहे हैं? उसमें तो ये भी है कि अगर चाहें राहुल गांधी या सोनिया गांधी, जिनके सबसे ज्यादा शेयर हैं, कि ये अपने किसी प्रोग्राम को फाइनेंस कर लें उस एजेएल से, वो यंग इंडिया से, उसका भी प्रावधान नहीं कर सकते हैं। इस किस बात के मनी लॉन्ड्रिंग है? कांग्रेस ने 90 करोड़ लोन दिया उन्होंने इम्प्लाइज को, और बिजली के बिल चुका दिए, इम्प्लाइज का बकाया दे दिया, कोई पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैंक का कर्जा इन्वॉल्व नहीं है इसमें। बात ईडी क्या कर रही है? वो ईडी इतना उसको करती चली जा रही कि 5 दिन राहुल गांधी हो, 3 दिन सोनिया गांधी से इंट्रोगेशन करने के बाद अब फिर वो दफ्तरों पर छापे मार रहे हैं। अब इनको चाहिए, अब नेशनल हेरल्ड की जो हैसियत बताई अभी हमारे साथी ने, नेशनल हेरल्ड का एक वाक्य ये भी है लखनऊ का, एम चलापति राव यहाँ एडिटर होते थे, नेहरू जी आए हुए थे लखनऊ और वो जनरल हबीबुल्ला के घर ठहरे थे। रात में उन्होंने फोन करवाया चलापति राव को कि मैं दफ्तर आना चाहता हूँ, तो चलापति राव ने कहा ये अखबार में काम का समय होता है, इस समय आने की जरूरत नहीं है। फिर उनके यहाँ से फोन आया कि नहीं साहब तो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। चलापति राव ने अपने ऑफिस की एक अपने जिसपे बैठे थे बाकी सामने की सारी कुर्सियां हटवा दी, नेहरू जी आए उनके चैम्बर में गए और मेज पे बैठ के बात की उन्होंने लगभग आधा घंटा तक। ये हेरल्ड का एडिटर का और हेरल्ड की हैसियत होती थी। अब इस हैसियत को ये लोग तो जानते नहीं है जो लोग आज सरकार में है, ना इनके यहाँ किसी की ऐसी हैसियत है, इनके यहाँ तो दादागिरी है, जिसको कानून का आतंक कहते हैं, वो कानून का आतंक चल रहा है। और ईडी मिल गई है उनको एक मशीनरी, इस समय आप देखिए सीबीआई, एनआईए और पुलिस, सीआरपीएफ, जितनी एजेंसीज हैं सिक्योरिटी की, उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर ईडी हो गई है, और जो ताकत थोड़ी बहुत कम थी वो चलमचे वो कर गए। अभी खानविलकर साहब उनको कह गए कि नहीं साहब ये तो सबके बाप हैं, जो ही चाहेगा करेंगे, इनके लिए तो प्राइम मिनिस्टर भी बेकार है। अब देखिए हमको उम्मीद है शायद 2-4 महीने में खानविलकर साहब को कहीं एडजस्टमेंट हो जाए, हो सकता है देर लगे बट होगा, इसलिए कि इस तरह का फैसला
कानून जानने, मैं भी कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, कानून जानने वाला हर कोई जानता है कि किस तरह आप सुप्रीम कोर्ट का एक जज किसी एजेंसी को ये अधिकार नहीं दे सकता है अपनी तरफ से कि आप जिसको अरेस्ट करें तो उसको उसका ये जिम्मेदारी होगी कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ वो तय करे कि वो गिल्टी नहीं है। ये काम तो कानून बनाने वाली एजेंसियां करती हैं, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं कि भाई वो क्या कानून बना रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रोविजन कर रहे हैं, और वो करके चले गए, उन्होंने कह दिया जिसको चाहे गिरफ्तार कर लें और उसका बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर नहीं होगा, वो उस पर होगा जो गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए, राहुल गांधी को जो इनका भारत कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बड़े थोड़ी गलतफहमी भी हैं ये लोग। इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं, तो मैंने कहा ना कि इतने ज्यादा घमंड में चूर हैं, इनका एक एक बंदा घमंड में चूर है। अब अगर स्मृति ईरानी जैसी मंत्री और पार्लियामेंट में एडजर्न होने के बाद सोनिया गांधी से ये कहे यू डोंट नो हु एम आई, अरे भाई क्या है आप, पढ़ी ना लिखी ना कोई आपका बैकग्राउंड ना कोई फ्रीडम फाइटर का खानदान, हु एम आई, आप कहेंगे किसी 75 साल की लेडी से जो सीनियर मेंबर है सबसे ज्यादा, लेकिन है। तो इन लोगों का ये घमंड जो है वो ये लग रहा है इनको कि अब ये जब तक जिंदा है तब तक सरकार में यही रहेंगे, ऐसा होता नहीं है, दुनिया देखी हुई है सबने, दुनिया में कोई भी ऐसा घमंडी रूलर बचा नहीं है, अभी ये हिस्ट्री है। तो देखिए, लेकिन अभी वो करेंगे, अभी वो हर जिसको कहते हैं कि सियासी पाप जिसको कहना चाहिए ना, राजनीतिक पाप, वो सारे किए जाएंगे, राहुल गांधी अरेस्ट होंगे, आप देखते रहिए। इसलिए कि इनको ये बताना है कि अब हम बादशाह हैं इस देश के, हम प्रधानमंत्री नहीं है या हम होम मिनिस्टर नहीं है, हम तो इस देश के बादशाह हैं, वो तय कर रहे हैं। इसलिए वो राहुल गांधी में कोई, अब आप देखिए उन्होंने पहले तो उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, उद्धव ठाकरे के पास एक आदमी था, सिर्फ एक आदमी जो उसके लिए लड़ता था, वो संजय राउत, उनको आपने अरेस्ट कर लिया। अब उनका पूरा केस अगर आप पढ़ लीजिए तो उसमें कहीं से उनका अरेस्ट का केस बनता नहीं, लेकिन नहीं अरेस्ट कर लिया, ठीक है भाई। अब अरेस्ट कर लिया तो इस तरह इन्होंने सब उद्धव ठाकरे की पार्टी की रीढ़ तोड़ दी है। तो इस तरह ये काम करना चाह रहे हैं कि ये किसी न किसी तरह से अपोजिट पार्टियां जो इनके खिलाफ पार्टियां हैं उनकी रीढ़ तोड़ना चाहती हैं, और कोई भरोसा नहीं, ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि 24 तक ममता बनर्जी को भी अरेस्ट कर लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह के केस बनाए जा रहे हैं वहां, और पार्थ जैसे लोग बेवकूफ ममता के यहाँ निकले हैं, तो उसमें कुछ भी पॉसिबल है, ये मैं बता दे रहा हूँ जी। अनिल जी अपने को अनम्यूट करिएगा, जो बात अभी इन्होंने कही सामने है, संजय राउत का मामला, ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर ये सब हुआ तो हमें लगता है कहीं ना कहीं तो आक्रोश बढ़ेगा जी। मुझको लग रहा है कि उसी का ये है, मतलब मैं ये नहीं मानता कि ये लोग बहुत ज्यादा ये में है, मतलब कॉन्फिडेंट है। ये हताशा जो राहुल गांधी ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूँ, ये बौखलाहट है। बौखलाहट ये है कि जो देश की इकोनॉमी चल रही है और देश के जो हालात है वो इनके से संभलने वाला नहीं है, और वो जो है उसका जल्द ही जो है ये मतलब असर दिखेगा, रोड पर लोग आएंगे, आ सकते हैं, और विपक्षी पार्टियां इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो इस भूमिका से विपक्षी पार्टियों को वंचित करने के लिए वो उस पर प्रहार कर रही है। इसको आप ऐसा ही समझ लीजिए कि जो विपक्षी पार्टियां रोड पर उतरने के बाद गिरफ्तार होती जेल जाती, उसको पहले ही ईडी और बाकी एजेंसियों के जरिए दबाया जा रहा है। मतलब आवाज करने के पहले ही विपक्षी पार्टियों को दबाने का ये तरीका है, और इसका मुझको नहीं लगता कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, और इनको लग रहा है कि विपक्ष से मुक्त हो जाएगा भारत, इनको लग रहा है कि हम लोगों को हमारी सत्ता जाने वाली है, जा सकती है कभी भी। और गुजरात के चुनाव में भी इनको बहुत बुरी हालत है, क्योंकि वहां भी विजय रूपानी का जो क्या कहते हैं के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो लोग जानते हैं वहां के, और वहां की जो हालत है वो भी लोगों को पता है। देश में जो हालत है वो भी आप देख रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी की हालत तो है ही, इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है। तो इसीलिए उनको पता है कि अगर ये इंडिविजुअल जो सबसे आगे पार्टी है ये कांग्रेस, उसको दबा रहे हैं, इसी तरह से उद्धव ठाकरे वहां झुकने के लिए नहीं तैयार हुए तो वहां दबा दिए गए हैं, और अगर मान लिया ममता बनर्जी रोड